कढ़ाई बुनाई और सिलाई भारत की पारंपरिक कलाएं हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं निपुण होती थी। कुछ को तो बचपन से ही सिलाई कढ़ाई और बुनाई की शिक्षा दी जाती थी, तो कुछ अपने शौक से सीखती थी, जहां वो अपने कपड़ों को उस समय के फैशन और ट्रेंड को देखते हुए खुद से डिजाइन करती थी। आधुनिकता के कारण लोग सिले सिलाए कपड़ों की तरफ आकर्षित होना शुरू हुए, जिसमें वो रेडीमेड कपड़ों को पहली पसंद मानने लगे। लेकिन एक बार फिर से लोग वही पुराने पारंपरिक तौर तरीकों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उसका कारण है कपड़ों की अच्छी फिटिंग, तरह तरह के फैशन स्टेटमेंट और ट्रेंड आदि। अब लोग कपड़ों को अपनी फिटिंग से सिलवाना और डिजाइन करवाना अधिक पसंद करते हैं। इसके लिए अपने घर के आसपास अच्छे दर्जी और बुटीक की तलाश करते हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी सिलाई कढ़ाई बुनाई का टैलेंट है, तो आप घर बैठे कपड़ा सिलाई का काम शुरू कर सकती हैं, वो भी कम लागत में। इस शॉप को खोलने के लिए ज्यादा कुछ कानूनी प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ती। चलिए जानते हैं कि आप टेलरिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें। यदि आपको कपड़े की कटिंग और सिलाई करना आती है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। डेली वेयर से लेकर शादी विवाह फंक्शन आदि के लिए लोग कपड़ा सिलाना पसंद करते हैं। आपके हाथ में सफाई है और आप अच्छे से कटिंग करना जानते हैं, तो आप इसमें बहुत मुनाफा कमा सकती हैं। टेलरिंग बिजनेस के लिए आवश्यक योग्यता। आपको कपड़े की कटिंग और सिलाई आनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप फिनिशिंग वर्क नहीं कर पाती हैं, तो आप कोर्स कर सकती हैं। यदि आप कोर्स करना चाहते हैं, तो कोर्स की अवधि 3 से 6 महीने तक की है। किसी किसी कॉलेज में 2 साल तक की अवधि का भी कोर्स है। खादी ग्राम उद्योग में 200 रुपए प्रति माह फीस लगती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो 5,000 से 15,000 तक की फीस लगती है। आप अगर टेलरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कपड़े की कटिंग, नपाई और सिलाई का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आप कपड़ों में जो मटेरियल लगा रहे हैं, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। फैशन और ट्रेंड के प्रति आपको अपडेट रहना चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कमरा या शॉप। आप जहां सिलाई मशीन लगा रही हैं, उसके लिए जरूरी है कि एक कमरा बुक कर लें, जहां आप सिलाई मशीन लगा सकें और सिलाई से जुड़ी आवश्यक चीजों को जगह दे सकें। यदि आप शॉप खोलकर इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह दुकान लेने की जहां बस्ती हो और टेलरिंग शॉप की कमी हो। सिलाई मशीन। अगर आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो आपको चाहिए कि आप अकेले ही पहले इस बिजनेस को खड़ा करें, जिससे जो बचत हो वो आपके बिजनेस और पर्सनल खर्चों में पूरी हो सके। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा, आपको अधिक ऑर्डर मिलने लगेंगे, तब आप किसी और को भी काम पर रख सकते हैं। शुरू में आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, साथ में इंटरलॉक मशीन की आवश्यकता होगी। सिलाई मशीन की कीमत। सिलाई मशीन की शुरुआत 2000 से हो जाती है। आप अपने बजट के हिसाब से सिलाई मशीन ले सकती हैं। सिलाई मशीन की टेबल 2000 से 3000 तक में आ जाती है। सिलाई मशीन आप अपने इलाके के किसी नजदीकी एरिया वाली दुकान से ले सकते हैं। सिलाई की चीजें, इंची टेप, कैंची, टेलर चौक, बुकरम, सुई और धागा, स्केल, नोटबुक और पेन, प्रेस, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी या स्टूल, रैक, काउंटर, हैंगर, रफू मशीन। निवेश कितना होगा। इस बिजनेस को करने के लिए 7500 से 9000 तक का निवेश करना होगा। यदि आपकी अपनी दुकान है, तो इससे कम ही निवेश लग सकता है। फिर भी आप किराए पर दुकान लेती हैं, तो 3000 से 4000 तक का किराया देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आप 10000 के अंदर ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कमाई कितनी हो सकती है। आप कितनी मेहनत से काम कर रही हैं, ये इस बिजनेस में सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी मेहनत ही इस बिजनेस को सक्सेस करती है। आपके पास जितने कपड़े सिलने और फिटिंग के लिए हैं, आप उनको कितनी जल्दी अपने कस्टमर को वापस दे रही हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ काम कर रही हैं, ये आवश्यक है। हर महीने अगर आपके पास ठीक ठाक कपड़े आ जाते हैं, तो सिलाई और फिटिंग के लिए तो आप 5000 से 10000 तक कमा सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मुनाफा हो, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीके ढूंढें। अपने बिजनेस का प्रमोशन कैसे करें। विजिटिंग कार्ड्स, पैम्फलेट्स, टेम्पलेट्स, घर या शॉप के बाहर होर्डिंग, बैनर, ऑनलाइन प्रमोशन। टेलरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। इस बिजनेस को करने के लिए फैशन स्टाइल और क्रिएटिव आइडिया बेहद जरूरी है। इसलिए जब भी आप कपड़ा कटिंग और सिलाई करें, तो इन बातों का ध्यान रखें। कभी भी अपने ग्राहक को ठगने की ना सोचें। याद रखें, ग्राहक ही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। यदि एक बार आपका इम्प्रेशन गलत हुआ, तो ग्राहक लौट कर नहीं आएगा। शुरू में आप अकेले ही बिजनेस को शुरू करें। बाद में जैसे जैसे आपके ग्राहक बढ़ने लगे और आपको अधिक ऑर्डर मिलने लगे, तब आप किसी हेल्पर या टेलर को काम पर रखें। यदि आपको कटिंग या सिलाई नहीं आती, तो आप इस बिजनेस को पार्टनर के साथ करें, जिसमें पार्टनर की भूमिका हो टेलरिंग और आपकी भूमिका हो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के उपायों पर काम करने की। आप कपड़ों का ऑर्डर लेते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि ग्राहकों को भी गलत डेट ना बताएं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके प्रति ग्राहक का विश्वास कम हो जाएगा। सही समय पर ऑर्डर कम्प्लीट कर ग्राहकों के लिए आप एक स्टाइल स्टेटमेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यदि इससे जुड़े कोई और सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पोस्ट करें, हम जल्द ही जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।